आज से लगभग 116 साल पहले राइट ब्रदर्स यानी ऑरविल और विल्बर ने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाकर उसमें उड़ान भरी थी। उनका पहला विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था। बस तब से ही ये उम्मीद जग गई कि हवा में भी कुछ उड़ाया जा सकता है और भविष्य में विमानों को एक नई दिशा मिली और फिर दुनिया में एक से बढ़कर एक विमान बनाए गए। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब और दिलचस्प विमानों के बारे में। अलेक्जेंडर लिपिस एरोडाइन। इस हवाई जहाज को देखिए जरा, इसे देख के यही लगता है कि इसे इंजीनियर्स ने बनाया कैसे होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके साइड विंग्स नहीं हैं और इसीलिए ये दुनिया के सबसे अजीबो गरीब विमानों में से एक है। इस जहाज को जर्मन इंजीनियर अलेक्जेंडर लिपिस ने बनाया था। अलेक्जेंडर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बहुत ही मशहूर थे और ये विमान उनके बनाए हुए सभी विमानों में बहुत ही नायाब चीज थी। इस एरोडाइन हवाई जहाज को सितंबर 1972 में पहली बार उड़ाया गया था और फिर जर्मन सरकार की दिलचस्पी ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 1972 में ही बंद कर दिया गया। एयरलैंडर। इस विमान ने सालों से अजीबो गरीब विमान की लिस्ट में अपनी जगह बना रखी है। इस प्लेन को देखकर तो यही दिमाग में आ रहा है कि इसमें आखिर लोग बैठते कैसे होंगे। ये विमान एयरप्लेन और एयरशिप का मिश्रण है। ये एक एरोडायनामिक हाइब्रिड एयरशिप है। पहले इसे अमेरिकन आर्मी के लिए बनाया गया था, फिर बाद में ये सिविल कार्गो के अंतर्गत आ गया। इसे भारी भरकम सामान ढोने तथा लंबी दूरी के लिए बनाया गया है। बता दें कि यह विमान 20,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 3 हफ्तों तक उड़ सकता है। इसे अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है, जो अभी भी इस कॉम्बो क्राफ्ट को बना रहा है और बेच रहा है। H4 Hercules 2। H4 Hercules 2 जैसा नाम वैसा काम। ये हरकुलिस हवाई जहाज अपने जमाने का सबसे विशाल हवाई जहाज था, वो भी पानी पर लैंड करने वाला जहाज। इसके जो साइड विंग्स हैं, ये बहुत ही बड़े हैं, जिनकी कुल लंबाई 320 फीट है। इस हवाई जहाज को ह्यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। दरअसल इस एयरक्राफ्ट को दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन ये समय पे तैयार नहीं हो पाया और पूरी तरह बनने के बाद इसे एक ही बार उड़ाया गया और फिर इस जहाज को एयरक्राफ्ट म्यूजियम में रख दिया गया। बता दें कि ये अपनी तरह का सिर्फ एक ही जहाज है पूरी दुनिया में। HZ-1 एरोसाइकल। इस एयरक्राफ्ट को YHO-2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन वन मैन पर्सनल हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकन आर्मी के लिए बनाया गया था। इसे दिलेक्नर हेलीकॉप्टर्स कंपनी ने 1950 में बनाया था। इस पर्सनल हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए सेना को केवल 20 मिनट की ही ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर बाद में पता चला कि इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए 2 एक्सीडेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। लेकिन आज के दौर में इसी से प्रेरणा लेकर कुछ आधुनिक पर्सनल एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, जो भविष्य के साधन बन सकते हैं। स्ट्रेटो लॉन्च। ये है दुनिया का सबसे बड़ा विमान। इसमें बोइंग 747 के 6 इंजन लगे हुए हैं। इसके विंग्स की लंबाई 380 फीट है, जो कि एक फुटबॉल मैदान से भी बड़े हैं। और इस विमान का वजन 22 लाख किलो है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये धरती पर किसी भी हवाई जहाज की तुलना में सबसे विशालकाय है। इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया है। दरअसल ये रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसका निर्माण स्केल्ड कंपोजिट्स नाम की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने किया है और इस कंपनी की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन द्वारा 2011 में की गई थी। बता दें कि ये विमान इसी साल यानी 2020 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।